हेलो एवरीवन, आज कंप्यूटर का नेक्स्ट सेट है जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है, देखते हैं फ्रेंड। इसमें 120 क्वेश्चन है, 120 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कराऊंगा मैं इसमें आपको, जो TG2 के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आप लोग वीडियो शेयर कीजिए, अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो आप लोग चैनल सब्सक्राइब कीजिए। इसमें मैं आगे होने वाले टेक्निकल एग्ज़ाम्स की भी आप लोगों को तैयारी कराऊंगा, जिसमें विद एक्सप्लेनेशन मैं आपको सारे क्वेश्चंस इसमें किस टाइप से क्वेश्चंस एग्ज़ाम में आते हैं उस टाइप न्यूमेरिकल्स और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस विद एक्सप्लेनेशंस कराने वाला हूँ। ठीक, आजकल TG2 को देखते हुए इसमें मैं सिर्फ कंप्यूटर की वीडियोज अपलोड कर रहा हूँ। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, ताकि मेरे द्वारा अपलोड की गई सभी वीडियो आप तक टाइम पे पहुंच पाए। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है, कंप्यूटर में प्रयोग होने वाली भाषाएं कौन सी हैं। ठीक, तो इसका आंसर हो जाएगा मशीनी भाषा, असेंबली भाषा तथा उच्च स्तरीय भाषा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इथरनेट में कौन सी टोपोलॉजी का प्रयोग होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बस टोपोलॉजी। इससे से एक क्वेश्चन बनता है, वह टोपोलॉजी कौन सी है जिसमें सिर्फ एक ही तार से सारे कंप्यूटर जुड़े रहते हैं। तो आंसर हो जाएगा इसका स्टार टोपोलॉजी। नेक्स्ट है, मॉडेम का पूरा नाम क्या है। मॉडेम का पूरा नाम मॉड्यूलेटर एवं डीमॉड्यूलेटर है। नेक्स्ट है, विंडोज XP में XP का क्या मतलब है। जो विंडोज XP एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसमें XP का क्या मतलब है पूछ रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा एक्सपीरियंस। ठीक, नेक्स्ट है, कंप्यूटर किस भाषा में कार्य करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा मशीनी भाषा। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर में कौन सा भाग गणना और तुलना के लिए उपयोग किए जाते हैं। तो उपयोग होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ALU, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। नेक्स्ट है, यदि कंप्यूटर में एक से अधिक प्रोसेसर हो तो वह क्या कहलाएगा। तो इस आंसर हो जाएगा इसका मल्टी प्रोसेसर। एक से अधिक प्रोसेसर अगर कंप्यूटर में लगे हुए हैं तो वो मल्टी प्रोसेसर कहलाएगा। अगला है, टाइम टाइप DIR किसका इंटरनल कमांड है। तो ये डॉस का कमांड है, डॉस का है, तो इसका आंसर हो जाएगा डॉस का। ठीक है, ये डॉस जो होता है उसका एक कमांड है। अगला है, विशिष्ट इनपुट अथवा आउटपुट डिवाइस को विशेष कंप्यूटर प्रणाली के साथ कम्युनिकेट करने की अनुमति प्रदान करने हेतु डिजाइन किए गए स्पेशलाइज्ड प्रोग्राम को क्या कहा जाता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम हम जैसे विंडो XP, विंडो 8, विंडो 9, ये सारे OS कहलाते हैं। ठीक है, और रिबूट करने के लिए कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम का होना सिस्टम में बहुत ज़रूरी है। अगला क्वेश्चन है, वेबसाइटों को देखने के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले प्रोग्राम को क्या कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ब्राउज़र। वेबसाइटों को देखने के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले प्रोग्रामों को ब्राउज़र कहते हैं। ठीक है, जैसे गूगल क्रोम, मोज़िला फायरफॉक्स, ओपेरा मिनी, ये सारे ब्राउज़र हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर बूट नहीं कर सकता यदि उसमें नहीं होगा। ठीक है, कंप्यूटर बूट तभी करेगा जब उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम होगा। यदि उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है तो कंप्यूटर बूट नहीं कर सकता। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑपरेटिंग प्रणाली। क्वेश्चन दोबारा देख लीजिए, कंप्यूटर बूट नहीं कर सकता यदि उसमें नहीं होगा। यदि उसमें इसका आंसर होगा ऑपरेटिंग प्रणाली। नेक्स्ट है, स्टोरेज डिवाइड पर जो मुख्य फोल्डर होता है उसे क्या कहा जाता है। तो स्टोरेज डिवाइड पर जो मुख्य फोल्डर होता है उसे रूट डायरेक्टरी बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है, वह चीज़ जो निर्देशों को सरलता से समझ गई है कहलाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा यूजर फ्रेंडली। वह चीज़ जो निर्देशों को सरलता से समझ गई है यूजर फ्रेंडली कहलाती है। नेक्स्ट है, वे विशिष्ट प्रोग्राम जो वेब पर आवश्यक सामग्री को ढूंढने में उपयोगकर्ता की मदद करते हैं क्या कहलाते हैं। इसका आंसर हो जाएगा सर्च इंजन। ठीक है, वे विशिष्ट प्रोग्राम जो वेब ब्राउज़र पर आवश्यक सामग्री को ढूंढने में उपयोगकर्ता की मदद करते हैं क्या कहलाते हैं। तो आप लोग अगर आप कोई भी चीज़ चाहिए होती है तो आप गूगल क्रोम, मोज़िला फायरफॉक्स, ओपेरा मिनी या UC ब्राउज़र पे खोलते हैं, ये सारे हमारे सर्च इंजन बोलते हैं। ठीक, नेक्स्ट है, वर्ड में किसी डॉक्यूमेंट में किसी विशिष्ट शब्द या मुहावरे को ढूंढने के लिए सरल और त्वरित तरीका है। तो इसका आंसर हो जाएगा फाइंड कमांड का उपयोग करके। अगला क्वेश्चन है, ब्रोशर, पोस्टर और न्यूज़लेटर बनाने के लिए किस प्रकार का सॉफ्टवेयर सबसे ज़्यादा उपयोगी है। आंसर होगा इसका डेस्कटॉप पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर। ठीक,
70 नंबर का क्वेश्चन है, स्लाइड शो बनाने के लिए किस एप्लीकेशन का इस्तेमाल होता है? तो स्लाइड शो बनाने के लिए हम पावर पॉइंट का इस्तेमाल करते हैं, आंसर हो जाएगा पावर पॉइंट। नेक्स्ट है, जंक ईमेल का अन्य नाम क्या है? तो जंक ईमेल अन्य नाम हमारा स्पैम है। यदि कोई ईमेल हमारी इनबॉक्स पर नहीं आती है तो हम स्पैम पर चेक करते हैं, तो और उसे जंक ईमेल बोला जाता है। ठीक है, अगला है, सीडी रोम का पूरा नाम क्या है? पूर्ण नाम क्या है, फुल फॉर्म पूछ रहा है सीडी रोम की। इसका आंसर हो जाएगा कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। नेक्स्ट है, जीबी का संक्षिप्त रूप कितना हो क्या होता है? तो जीबी का संक्षिप्त रूप होता है गीगाबाइट। शुरू से बता देता हूँ आपको, सबसे छोटा होता है केबी, फिर एमबी, केबी मतलब होता है किलोबाइट, एमबी मतलब होता है मेगाबाइट, जीबी मतलब होता है गीगाबाइट, टीबी मतलब होता है टेराबाइट। ठीक है फ्रेंड, तो और 1024 KB का 1 MB होता है, 1024 MB का 1 GB होता है, और 1024 GB का 1 TB होता है। ठीक, नेक्स्ट है, फंक्शन कुंजी कौन सी होती हैं? तो F1 से F12 तक की फंक्शन की होती हैं, और शिफ्ट ऑल्ट और कंट्रोल ये मॉडिफायर की होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट है, चयनित टेक्स्ट को इटैलिक प्रारूप में बदलने के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है? तो Ctrl+I शॉर्टकट की पूछ रहा है। चयनित टेक्स्ट जो हमारा है, जो हमने सेलेक्ट किया हुआ है, उसे इटैलिक प्रारूप में बदलने के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाएगा? तो आंसर हो जाएगा Ctrl+I दबाएंगे हम, उसके लिए शॉर्टकट की होगी Ctrl+I। ठीक है, नेक्स्ट है, किसी डिवाइस द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले सभी कैरेक्टर्स को क्या कहते हैं? तो किसी डिवाइस द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले सभी कैरेक्टर्स को कैरेक्टर सेट कहते हैं। ईमेल एड्रेस याद करने से बचने के लिए क्या इस्तेमाल किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा, ईमेल एड्रेस याद करने से बचने के लिए एड्रेस बुक का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, अगला है, मॉडेम का कनेक्शन किसके साथ किया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा, मॉडेम का कनेक्शन फोन लाइन के साथ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर से जुड़े केबी का क्या अर्थ होता है? मैंने आपको ऊपर बताया था, कंप्यूटर से जुड़े केबी का अर्थ किलोबाइट होता है। नेक्स्ट है, प्रोसेसर के 3 मुख्य भाग होते हैं, ALU, कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर। ठीक है, रजिस्टर एक तरीके का स्टोरेज डिवाइस है, और CU कंट्रोल यूनिट होता है, और ALU अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है। तो जो प्रोसेसर होता है हमारा, प्रोसेसर के मेन 3 पार्ट होते हैं, ALU, कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर। 28 नंबर क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट वाले थिन प्लेट या बोर्ड को क्या कहते हैं? तो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट वाले थिन प्लेट या बोर्ड को सर्किट बोर्ड बोलते हैं, या PCB बोलते हैं, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। ठीक, 29 होगा, वह सर्किट बोर्ड जिसमें CPU और अन्य चिप होते हैं उसे कहा जाता है। वह सर्किट बोर्ड जिसमें CPU और अन्य चिप होते हैं उसे मदरबोर्ड कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पास्कल क्या है? तो पास्कल कंप्यूटर की एक भाषा है, और इसी में पूछ देता है कभी कभी, C++ क्या है, जावा क्या है, तो ये सारी कंप्यूटर की भाषाएं हैं। ठीक, और यदि पूछता है कंपाइलर क्या है, तो कंपाइलर एक सॉफ्टवेयर है जो उच्च भाषा को सरल भाषा में परिवर्तित करके आउटपुट देता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर भाषा फोर्टन किस क्षेत्र में उपयोग होती है? तो ये विज्ञान के क्षेत्र में उपयोग होती है, आंसर हो जाएगा विज्ञान। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कंप्यूटर भाषा कोबोल किसके लिए उपयोगी है? कोबोल, COBOL, कोबोल कोबोल होता है व्यावसायिक कार्य के लिए, और फोटन होता है विज्ञान के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है, मल्टीमीडिया वेब पेज, वेबसाइट और आधारित एप्लीकेशन विकसित करने के लिए लोकल लैंग्वेज कौन सी होती है? तो ये अभी मैंने ऊपर क्वेश्चन पूछा था आपको से, जावा क्या है, तो जावा एक लैंग्वेज है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर में काम करने के लिए किस सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा एप्लीकेशन। अगला, EDP की फुल फॉर्म पूछ रहा है, EDP की फुल फॉर्म क्या होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग। नेक्स्ट है, कीबोर्ड की फंक्शन की संख्या कितनी होती है? अभी मैंने आपको बताया था F1 से F12 तक की फंक्शन की होती हैं, और ऑल्ट कंट्रोल शिफ्ट ये सारी की हमारी मॉडिफायर की कहलाती हैं। ठीक, 3 की मॉडिफायर की होंगी, और F1 F2 से
F1 F2 से F12 तक न्यूमेरिक फंक्शन की होंगी, और A to Z और 0 से 9 तक, ठीक है, ये अल्फा न्यूमेरिकल की बोलते हैं ना, ये अल्फा न्यूमेरिकल की कहलाएंगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 8 लगातार बिटों की सीरीज को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बाइट। नेक्स्ट है, भारत में इंटरनेट की शुरुआत कब हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा 15 अगस्त 1995। दूसरा इसी तरीके से क्वेश्चन होता है, कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? उसका आंसर होगा 2 दिसंबर को, ठीक। वेब क्राउलर क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेब क्राउलर क्या है? इसका आंसर हो जाएगा सर्च इंजन, ठीक है। कंट्रोल प्लस एच क्या करता है? तो इसका आंसर होगा कंट्रोल प्लस एच दस्तावेजों में टेक्स्ट बदलने का शॉर्टकट है, ठीक है। अगला है, इन्फोस्पेस क्या है? इन्फोस्पेस सर्च इंजन है। नेक्स्ट है, SDLC का क्या संक्षिप्त अर्थ होता है? तो SDLC का अर्थ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल होता है। अगला क्वेश्चन है, फोटोशॉप क्या है? तो फोटोशॉप एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, BIDU बेडू क्या है? बेडू एक तरीके का सर्च इंजन है, जैसे गूगल क्रोम, ओपेरा मिनी, यूसी ब्राउजर है, उसी तरीके से ये सॉफ्टवेयर भी है। अगला है, एप्लीकेशन विंडो में टाइटल बार ठीक नीचे कौन सा बार होता है? एप्लीकेशन विंडो में टाइटल बार के नीचे कौन सा बार होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा टाइटल बार के नीचे मेन्यू बार होता है, ठीक। अगला है, डुक डुक गो क्या है? तो ये एक सर्च इंजन है। नेक्स्ट है, वेब स्पाइडर्स क्या है? तो वेब स्पाइडर्स भी एक सर्च इंजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ब्लूरे डिस्क की धारक क्षमता के विस्तार की सीमा क्या है? तो इसका आंसर है 25 GB से 50 GB। ब्लूरे डिस्क जो होती है, उसकी जो कैपेसिटी होती है स्टोरेज करने की डाटा को, उसकी कैपेसिटी होती है 25 GB से 50 GB तक, ठीक है। नेक्स्ट है, येंडेक्स क्या है? और तो येंडेक्स भी एक सर्च इंजन है। अगला है, HTML की फुल फॉर्म क्या होती है? HTML का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ठीक। HTML, हाइपर टी मतलब टेक्स्ट, एम मतलब मार्कअप, और एल मतलब लैंग्वेज, ठीक है। तो इसका आंसर, HTML की फुल फॉर्म क्या होती है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। और IP की फुल फॉर्म होती है इंटरनेट प्रोटोकॉल्स, ठीक है। नेक्स्ट है, URL किसका संक्षिप्त रूप है? तो यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, URL मतलब होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। अगला है, सर्वाधिक प्रचलित ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज सबसे पहले कब लॉन्च किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा 10 नवंबर 1983 को, ठीक है। सर्वाधिक पहले मतलब सबसे पहले ऑपरेटिंग सिस्टम OS विंडो कब लॉन्च हुआ? तो 10 नवंबर 1983 को लॉन्च हुआ। और इस तरीके से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, भारत का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है? तो भारत का सबसे पहले पहला सुपर कंप्यूटर परम है, और इसको सबसे पहले कौन से शहर में विकसित किया गया था? परम को जो इंस्टॉल किया गया था सबसे पहले, वो कोलकाता में किया गया था, ठीक। और दूसरा आता है, सिलिकॉन वैली किस शहर में स्थित है? तो सिलिकॉन वैली के नाम से किस शहर को जाना जाता है? ही इसका आंसर हो जाएगा बेंगलोर को जाना जाता है। नेक्स्ट है, सेविंग की प्रक्रिया क्या है? मेमोरी में स्टोरेज माध्यम तक दस्तावेज कॉपी करना सेविंग की प्रक्रिया कहलाता है। नेक्स्ट है, डायरेक्टरी के अंदर की डायरेक्टरी को क्या कहा जाता है? तो डायरेक्टरी के अंदर की डायरेक्टरी को सब डायरेक्टरी बोला जाता है। अगला है, ओरेकल क्या है? तो ओरेकल इसका आंसर हो जाएगा डाटाबेस सॉफ्टवेयर, ओरेकल एक डाटाबेस सॉफ्टवेयर है। नेक्स्ट है, असेंबलर का कार्य क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा असेंबली भाषा को यंत्र भाषा में परिवर्तित करना, असेंबलर का कार्य क्या है? असेंबली भाषा को यंत्र भाषा में परिवर्तित करना। नेक्स्ट है, वह बिंदु जिस पर डाटा कंप्यूटर में प्रवेश करता है या निकलता है क्या कहलाता है? ठीक है, तो वह बिंदु जिस पर डाटा कंप्यूटर में प्रवेश करता है या निकलता है टर्मिनल कहलाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिनक्स क्या है? तो लिनक्स एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, ठीक है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर कहलाता है, ठीक है। और यूनिक्स भी एक मल्टी ठीक है मल्टी सोर्स सॉफ्टवेयर है, बस इसमें मल्टी ऑपरेटिंग सिस्टम्स भी हम उसको यूनिक्स को बोल सकते हैं। नेक्स्ट है, पहले से चल रहे कंप्यूटर को रिस्टार्ट करना कहलाता है, तो उसका आंसर हो जाएगा रिबूटिंग। पहले से चल रहे कंप्यूटर को रिस्टार्ट करना रिबूटिंग कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यूआरएल का पूरा नाम क्या है? तो इसका आंसर था यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर। कुछ क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं इसमें। अगला है, वे ग्राफिकल तस्वीरें जो फाइल फोल्डर इत्यादि जैसे ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करती हैं कहलाती हैं। तो वे ग्राफिकल तस्वीरें जो फोल्डर फाइल्स इत्यादि को रिप्रेजेंट करती हैं, जैसे ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करती हैं, उन्हें आइकॉन्स बोला जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सीपीयू सेम है नियंत्रक इकाई के क्या कार्य हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा कार्यक्रम अनुदेश डिकोड करने के लिए, ठीक है। सीपीयू में नियंत्रक इकाई का कार्य, जो कंट्रोल यूनिट होती है, उसका कार्य कार्यक्रम अनुदेशों को डिकोड करने के लिए किया जाता है, ठीक है। अगला है, डाटा स्टोर करने के लिए परिकलन के लिए कंप्यूटर किस तरह का के नंबर सिस्टम का उपयोग करते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा बाइनरी। बाइनरी में सिर्फ दो ही डिजिट होंगे, 0 और 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, GUI का पूरा नाम क्या होता है? तो GUI का पूरा नाम ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होता है, ठीक है। दोबारा से सुन लीजिए क्वेश्चन अगर नहीं सुना। GUI, जी मतलब होता है ग्राफिकल, यू मतलब होता है यूजर, आई मतलब होता है इंटरफेस, ठीक है। तो इस तरीके से GUI की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कंपाइलर क्या होता है? कंपाइलर क्या कार्य करता है? ये क्वेश्चन मैंने ऊपर बता दिया था आपको पहले ही। कंपाइलर उच्च स्तरीय भाषा को मशीनी भाषा में अनुवाद करके आउटपुट प्रदान करता है, ठीक। या ये भी बोल सकते हैं कि कंपाइलर उच्च स्तर की भाषा को मशीनी भाषा में बदलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रिंटर किस प्रकार का डिवाइस है? तो प्रिंटर एक प्रकार का आउटपुट डिवाइस है, ठीक। इसी से कहते पूछता है, माउस, जॉयस्टिक और ट्रैक बॉल किस तरीके के डिवाइस हैं? तो ये एक तरीके के पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वर्तमान वेब पेज अद्यतन करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है? वर्तमान वेब पेज अद्यतन करने के लिए किस शॉर्टकट की कुंजी का प्रयोग किया जाता है? Ctrl+R का। 69 क्वेश्चन नंबर का क्वेश्चन है, फिजिकल डाटा मॉडल का कौन सा स्तर है? तो इसका आंसर हो जाएगा निम्न स्तर। 70 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, मैक एड्रेस का साइज क्या होता है? तो मैक एड्रेस का साइज 48 बिट्स होता है। नेक्स्ट है, इंटरनल स्टोरेज किस प्रकार का स्टोरेज है? दोबारा से सुन लीजिए क्वेश्चंस, इंटरनल स्टोरेज किस प्रकार का स्टोरेज है? तो ये इसका आंसर हो जाएगा प्राइमरी स्टोरेज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, टास्क बार कहाँ स्थित होता है? तो टास्क बार स्क्रीन के बॉटम पर स्थित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, EDP क्या है? EDP की फुल फॉर्म क्या होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। EDP की फुल फॉर्म इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यदि आपका कंप्यूटर खुद को रिबूट करता रहता है तो क्या संभावना हो सकती है? अगर यदि कंप्यूटर खुद पर खुद रिस्टार्ट हो जाता है, अपने आप चलने लगता है और अपने आप ही बंद हो जाने लगता है, तो इसका अर्थ होता है कि इसमें वायरस है, ठीक है। नेक्स्ट होता है, हार्ड डिस्क के पार्टीशन बनाने के लिए डॉस का कौन सा कमांड प्रयुक्त करते हैं? ठीक है, हार्ड डिस्क के कमांड बनाने के लिए डॉस का कौन सा कमांड प्रयुक्त करते हैं? तो इसका आंसर राइट आंसर हो जाएगा CMD। पर जाएंगे हम पहले स्टार्ट करके, उस पर एफ डिस्क लिखेंगे या डिस्क पार्ट लिखेंगे, तो उससे हमारे हार्ड डिस्क का पार्टीशन, जो हम उस पर 3 या 4 भागों में बांटते हैं उसकी हार्ड डिस्क को, वो पार्टीशन स्टार्ट हो जाएगा। तो शॉर्ट की हो जाएगी इसके लिए एफ डिस्क। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ब्रॉडकास्ट एड्रेस क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा आईपी एड्रेस का आखिरी एड्रेस। ब्रॉडकास्ट एड्रेस क्या होता है? आईपी एड्रेस का आखिरी एड्रेस होता है।
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर से। लैन किस किसके लिए प्रयुक्त होता है? तो लैन मतलब होता है लोकल एरिया नेटवर्क, पैन मतलब होता है पर्सनल एरिया नेटवर्क, वैन मतलब होता है वाइड एरिया नेटवर्क। ठीक है, तो लैन का प्रयोग किया जाता है स्थानीय क्षेत्रों के नेटवर्क को जोड़ने के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वायरस, ट्रोजन हॉर्सेस तथा वर्म्स क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कंप्यूटर प्रणाली को हानि पहुंचाने में सक्षम होते हैं। अगला क्वेश्चन है, डॉक्यूमेंट में अंतिम एक्शन को पूर्ववत करने के लिए प्रयोग होने वाली शॉर्टकट कुंजी कौन सी है? डॉक्यूमेंट में अंतिम एक्शन को पूर्ववत करने के लिए कौन सी, मतलब अंडू के लिए कौन सी की पूछी जा रही है? तो अंडू करने के लिए कौन सी की होती है? कंट्रोल प्लस जेड, और रीडू के लिए होता है कंट्रोल प्लस वाई। इनपुट डाटा को इकट्ठा और व्यवस्थित करना किसका मुख्य उद्देश्य है? इनपुट डाटा को इकट्ठा और व्यवस्थित करना डाटाबेस का मुख्य स्थिति उद्देश्य है। नेक्स्ट है, कंट्रोल प्लस सी किस लिए प्रयोग किया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा कंट्रोल प्लस सी कॉपी करने के लिए होता है, कंट्रोल प्लस वी पेस्ट करने के लिए होता है, कंट्रोल प्लस एक्स कट करने के लिए होता है, और कंट्रोल पी प्लस पी प्रिंट करने के लिए होता है, ऑल्ट प्लस F4 सारी जो हमारे विंडोज़ में प्रोग्राम खुले हुए हैं उन्हें क्लोज करने के लिए होता है, F1 हेल्प के लिए होता है, F5 रिफ्रेश के लिए होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, CPU का वह भाग जो अन्य सभी कंप्यूटर कंपोनेंट की गतिविधियों को कोऑर्डिनेट करता है क्या कहलाता है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीपीयू का वह भाग जो अन्य सभी कंप्यूटर कंपोनेंट्स की गतिविधियों को कोऑर्डिनेट करता है क्या कहलाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा कंट्रोल यूनिट। ठीक है, ये प्रोसेसर के मेन पार्ट हैं, कंट्रोल यूनिट हो गया, कंट्रोल यूनिट हो गया, ALU हो गया, ऑटोमेटिक लॉजिक यूनिट हो गया, और रजिस्टर हो गया। रजिस्टर, ALU, कंट्रोल यूनिट, CU, ये किसी भी कंप्यूटर के प्रोसेसर के मेन पार्ट है। ठीक, ALU परिचालन संपन्न करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा अर्थमेटिक। नेक्स्ट है, क्रे क्या है? तो क्रे एक सुपर कंप्यूटर है, इसका आंसर हो जाएगा क्रे क्या है का, क्रे एक सुपर कंप्यूटर है। नेक्स्ट है, पॉइंटिंग एंड ड्रॉ डिवाइस कहा जाता है? पॉइंटिंग एंड ड्रॉ डिवाइस माउस को कहा जाता है। नेक्स्ट है, ट्रैक बॉल उदाहरण है, तो ट्रैक बॉल मैंने ऊपर बताया था आपको क्वेश्चन, ट्रैक बॉल माउस ये पॉइंटिंग डिवाइस के उदाहरण है। अगला है, सर्वाधिक तेज़ गति वाला प्रिंटर किसे कहा जाता है? तो सर्वाधिक तेज़ गति वाला प्रिंटर लेजर प्रिंटर होता है। नेक्स्ट है, कंप्यूटर का नियंत्रण भाग किसे कहा जाता है? तो नियंत्रण भाग CPU है, कोई भी डाटा अगर हम उसे देते हैं तो प्रोसेस करके आउटपुट देने का कार्य CPU का करता है, CPU का है। ठीक है, बस आउटपुट बाहर निकालने के लिए हम प्रिंटर का यूज़ करते हैं, लेकिन जो प्रोसेसिंग डाटा के ऊपर होती है वो CPU के द्वारा होती है। नेक्स्ट है, मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम्स क्या कहलाता है? अभी मैंने ऊपर आपको बताया था मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम्स यूनिक्स कहा जाता है। सॉफ्ट कॉपी एक आउटपुट है, जो हार्ड कॉपी क्या है? तो हार्ड कॉपी प्रिंटेड आउटपुट है। ठीक है, सॉफ्ट कॉपी एक आउटपुट है, तो हार्ड कॉपी क्या होगा? प्रिंटेड आउटपुट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया में से हार्ड डिस्क में सॉफ्टवेयर प्रोग्रामों को कॉपी करने की प्रक्रिया को कहते हैं? सेकेंडरी स्टोरेज से मीडिया में, मीडिया से हार्ड डिस्क सॉफ्टवेयर प्रोग्रामों को कॉपी करने की प्रक्रिया को कहते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा इंस्टॉलेशन। कोई भी प्रो सॉफ्टवेयर अगर आप दूसरे कंप्यूटर से अपने कंप्यूटर में लाते हैं तो आपको इंस्टॉल करना होता है, इसका आंसर हो जाएगा इंस्टॉलेशन। अगला है, नेविगेशन की कौन कौन सी होती हैं? नेविगेशन की वह कुन एडजस्टेबल की को नेविगेशन की बोला जाता है, जिनमें तीर एरो के निशान लगे रहते हैं, और कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ऑल्ट ये मॉडिफायर की होती हैं, F1 से F12 तक फंक्शन की होती हैं, मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था पहले एक बार। फ्रेंड, अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो आप लोग पेशेंस बना के रख के आपको इस चैनल में बहुत सी अच्छी जानकारियाँ मिलने वाली हैं, और ये सब कुछ आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है। ठीक है, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, ताकि मेरे द्वारा अपलोड की गई सारी वीडियो आप तो टाइम से मिल पाए, और आप वीडियो को बीच में मत छोड़ा करें, थोड़ा अगर आपको बोरिंग लगता है तो आप पेशेंस बनाइए, देखने का कुछ करने के लिए अंदर से जुनून होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अगर आप इसी तरीके से बोर होकर बीच में छोड़ देंगे तो कुछ भी नहीं होने वाला है।
कंप्यूटर्स के लिए अभी बहुत कम टाइम बचा हुआ है, 1 या 2 दिन का टाइम है। आप लोग अच्छे से वीडियो को देख के पेशेंस बनाते हुए थोड़ा अगर क्लियरिटी, वैसे तो ये सारी HD रिकॉर्डिंग्स हैं, बट अगर कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से लग रहा है लोगों को प्रॉब्लम्स हो रही है, बट मैंने दूसरे मोबाइल पर चेक किया था तो उस पर प्रॉपर तरीके से शो हो रहा था, ऐसी कोई दिक्कत नहीं आ रही थी क्वालिटी की। आप लोग भी चेक कीजिए क्वालिटी पे जाके उस यूट्यूब पे, ऊपर से 3 डॉट बने हुए आ रहे होंगे उनमें क्लिक कीजिए, और क्वालिटी पे आप लोग HD या 720 360 पिक्सल भी कर देंगे ना, उससे भी आपको क्लियरिटी दिखेगी। ठीक है, मैं कोई कैमरे का यूज़ करके वीडियो नहीं बना रहा हूँ, ये सब सारी स्क्रीन रिकॉर्डिंग है। ठीक है फ्रेंड, तो अगर अभी तक आपने लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए। ठीक, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। किसी बिंदु पर कर्सर की स्थिति को क्या कहा जाता है? तो ब्लिंकिंग बोला जाता है, किसी बिंदु पर कर्सर की स्थिति को ब्लिंकिंग बोला जाता है। इसी क्वेश्चन को घुमा के भी पूछता है, वह जो स्क्रीन पर ब्लिंकिंग करता है उसे क्या बोला जाता है? तो उसका आंसर हो जाएगा कर्सर। कंप्यूटर के अनवरत विद्युत आपूर्ति को संक्षिप्त रूप में क्या बोलते हैं? UPS, UPS के फुल फॉर्म होती है अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई। ये एक तरीके का इन्वर्टर सर्किट होता है, जो लाइट जाने पर, इसके अंदर भी छोटी 12 वोल्ट की बैटरी होती है, जो विद्युत सप्लाई बंद होने पर कंप्यूटर को विद्युत सप्लाई देता है। ठीक, अगला है, HTML डॉक्यूमेंट बनाने के लिए किसकी ज़रूरत होती है? तो उस HTML डॉक्यूमेंट बनाने के लिए हमें टेक्स्ट एडिटर की ज़रूरत होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक्सेल स्प्रेडशीट का एक्सटेंशन है, इसका आंसर हो जाएगा XLS। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा किया जाने वाला सबसे प्रारंभिक कार्य क्या कहलाता है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा किया जाने वाला सबसे प्रारंभिक कार्य बूट कहलाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 100 नंबर क्वेश्चंस, देखते हैं। शिक्षा संस्थान सामान्यतः अपने डोमेन नाम से किसका प्रयोग करता है? ठीक है, तो उसका आंसर हो जाएगा .edu। ठीक है, शिक्षा संस्थान सामान्यतः अपने डोमेन नाम से .edu का प्रयोग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टोरेज का सबसे बड़ा यूनिट क्या होता है? अभी आपको मैंने बताया था KB, MB, GB, TB, तो सबसे बड़ा यूनिट क्या हो गया हमारा? TB, इसमें 1024 GB होते हैं। नेक्स्ट है, SMPS का पूरा नाम स्विच मोड पावर सप्लाई होता है। ठीक है, ये कंप्यूटर के विभिन्न भागों को सप्लाई देने के लिए, जिससे मदरबोर्ड पे कनेक्ट रहता है। ठीक है, हमारा कंप्यूटर को क्या करते हैं, 230 वोल्ट AC से कनेक्ट करते हैं। ठीक है, तो उसके अंदर एक SMPS लगा रहता है, जो 230 को अलग अलग पार्ट में कन्वर्ट करता है, स्टेप डाउन करके कन्वर्ट करता है। ठीक है, और वो हमारे मदरबोर्ड पे उसके सप्लाईज को हम देते हैं। ठीक, तो SMPS की फुल फॉर्म हो जाएगी स्विच मोड पावर सप्लाई, और UPS की भी मैंने आपको बताई थी अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई। ठीक है, नेक्स्ट है, विंडोज 7 किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? तो ये एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है, इसे ऑपरेटिंग सिस्टम भी बोला जाता है। नेक्स्ट है, MICR में सी का क्या तात्पर्य है? तो MICR जो है ये बैंकों में यूज होता है। ठीक, बैंकों के द्वारा इसको यूज किया जाता है, इसकी फुल फॉर्म होती है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। तो सी मतलब होता है कैरेक्टर, ये सिर्फ सी पूछ रहा है, लेकिन बहुत सी बार एग्जाम्स में पूछा गया है कि MICR की फुल फॉर्म क्या होती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, या ये बैंकों के द्वारा सॉफ्टवेयर यूज होता है। ठीक है, अगला है, कंप्यूटर में निर्मित स्थायी मेमोरी को क्या कहा जाता है? तो स्थायी मेमोरी जो होती है वो रोम होती है, रीड ओनली मेमोरी, और अस्थायी वोलेटाइल मेमोरी होती है रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये अस्थायी मेमोरी होती है, इसमें विद्युत सप्लाई बंद करने पर कोई भी डाटा सेव नहीं रहता है। ठीक है, हमें वो अगर परमानेंटली सेव करना है तो वर्क करने के बाद हमें वो रोम पर सेव करना होता है। ठीक, और रोम और एक प्राइमरी मेमोरी होती है। नेक्स्ट है, मौजूदा डॉक्यूमेंट में बदलाव करना क्या कहलाता है? तो मौजूदा डॉक्यूमेंट में बदलाव करना एडिटिंग कहलाता है। मूल सोर्स से डाटा को कॉपी करके सुरक्षा प्रदान करना क्या कहलाता है? मतलब कोई डाटा आपने बना रखा है, कोई फाइल आपने पावर पॉइंट, वर्ड, किसी भी एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर पे आपने जो भी डॉक्यूमेंट बना रखा है, आप चाहते हैं कि ये मेरे पास सेफ रहे, आप उसको कॉपी करके कहीं पर दूसरी जगह पर कॉपी पेस्ट करके सुरक्षित सेव कर लेते हैं, तो उस फाइल का बैकअप कहलाता है, ताकि आपकी करंट फाइल डिलीट भी होगी तो जो आपने अलग से फाइल सेव किया हुआ है वो आपका सेफ रहेगा, इसी को हम बैकअप बोलते हैं। ठीक है, अगला है, डॉट प्रति इंच DPI से क्या मापा जाता है? तो इसके
डॉट पर इंच से कंप्यूटर स्क्रीन पर पिक्सल मापे जाते हैं, और प्रिंटर भी, प्रिंटर की कैपेसिटी भी, जो प्रिंटर होता है ना, प्रिंटर कैसे ले जाया जाता है, तो प्रिंटर की क्षमता भी DPI में ही मापी जाती है, ठीक, डॉट पर इंच। और दूसरा होता है कंप्यूटर की स्क्रीन को कैसे मापते हैं, तो इसी से बनता है स्क्रीन वर्ड्स, मेरे को ध्यान आया क्वेश्चन, कंप्यूटर की स्क्रीन को डायगोनली मापा जाता है, ठीक। नेक्स्ट है, डाटा फ्लो डायग्राम पर सर्किल क्या प्रदर्शित करते हैं, तो डाटा फ्लो डायग्राम पर सर्किल ट्रांसफॉर्मेशन प्रक्रिया प्रदर्शित करते हैं, आंसर हो जाएगा ट्रांसफॉर्मेशन प्रक्रिया। नेक्स्ट है, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर किस प्रकार का प्रिंटर है, तो उसका आंसर हो जाएगा इंपैक्ट प्रिंटर, या दूसरे तरीके से क्वेश्चन पूछता है इंपैक्ट प्रिंटर का उदाहरण है, तो इसका आंसर हो जाएगा डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। कैट क्या होता है, कैट का अर्थ होता है कंप्यूटर एडिट डिजाइंस, इसका राइट आंसर हो जाएगा कंप्यूटर एडिट डिजाइंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइकल विदेनिस को किसका जनक कहा जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा MySQL, ठीक। नेक्स्ट है लास्ट क्वेश्चन, 114 नंबर का क्वेश्चन, DNS का क्या तात्पर्य होता है, तो इसका आंसर है डोमेन नेम सिस्टम, DNS की फुल फॉर्म होती है डोमेन नेम सिस्टम। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, इंटरनेट से संबंधित FTP शब्द का मतलब क्या होता है, तो FTP मतलब होता है फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल्स। अभी 3-4 क्वेश्चंस और हैं, 120 क्वेश्चंस पूरे दिए हुए हैं इस पर, चलो देखते हैं फिर। OCR का फुल फॉर्म क्या होता है, OCR का फुल फॉर्म होता है ऑप्टिकल करेक्टर रिकॉग्निशन, और OMR का फुल फॉर्म होता है ऑप्टिकल मार्क रीडर, ठीक। नेक्स्ट है, URL का क्या है, वर्ल्ड वाइड वेब डॉक्यूमेंट या पेज का एड्रेस होता है URL। नेक्स्ट क्वेश्चन है, PGP का उपयोग होता है, PGP का उपयोग ईमेल सुरक्षा के लिए होता है। नेक्स्ट है, यूनिवर्सल सीरियल बस USB का संक्षिप्त रूप क्या है, संक्षिप्त रूप क्या है, तो संक्षिप्त रूप भी दिया हुआ है और संक्षिप्त रूप पूछ रहा है, तो इसका क्वेश्चन इस तरीके से हो जाएगा, USB का संक्षिप्त रूप क्या है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यूनिवर्सल सीरियल बस का संक्षिप्त रूप है। नेक्स्ट है, कंप्यूटर की फीड की गई सूचनाओं को क्या कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डाटा, कंप्यूटर की फीड की गई सूचनाओं को डाटा कहा जाता है। फ्रेंड, आपने वीडियोस पूरा देखा, इसके लिए थैंक्स, और अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो आप लोग चैनल सब्सक्राइब कीजिए, और अपने फ्रेंड के साथ चैनल को शेयर कीजिए, ठीक है, फ्रेंड से चैनल सब्सक्राइब कीजिए। मैं बहुत जल्द इसमें आपके लिए टेक्निकल की बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस, न्यूमेरिकल्स हो गया, ऑब्जेक्टिव्स हो गए, और डेली के डेली ऑब्जेक्टिव्स इस पर अपलोड करना, ताकि आपकी टाइम पर स्टडी हो पाए, क्योंकि एग्जाम से कुछ दिन पहले स्टडी करने की आदत हो जाती है सभी लोगों को। अगर हम लॉन्ग टाइम आपको इसमें स्टडी करोगे तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट रहेगा एग्ज़ाम्स के लिए। बहुत से फ्रेंड बोल रहे थे कि सर आप कंप्यूटर की PDFs नहीं देते हैं, सिर्फ क्वेश्चंस कराते हैं, मुझे पर्सनली मैसेज करके बोल रहे थे। तो अभी आप लोगों ने वीडियो पूरा देखा है तो आप इसका डिस्क्रिप्शन लिंक चेक कीजिएगा, और इस जो आपको 120 क्वेश्चंस हैं, ये इनका पूरा PDF इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक पर मिल जाएगा। सो फ्रेंड, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड शेयर दिस वीडियोज़, थैंक यू।